हमें जब भी किसी चीज़ के बारे में सीखना होता है या किसी चीज़ के बारे में जानना होता है या किसी सवाल का जवाब समझना होता है तो हम गूगल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी भी ये बहुत आम आदत होगी। आप भी कई बार कई चीज़ों को लेकर सीधा गूगल बाबा से पूछते होंगे। फिर वो चाहे किसी बीमारी के लक्षण हो या ये जानना हो कि किसी देश के प्रधानमंत्री कौन है। आज के समय में गूगल के पास इतना डाटा बेस है कि कई सवालों के जवाब आपको कई तरीकों से मिल जाते हैं। और ये बात कहना भी गलत नहीं होगा कि आज के समय में ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब गूगल बाबा के पास ना हो। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको कभी नहीं खोजने चाहिए? ऐसे कुछ सर्च हैं जिन्हें आप गूगल पे नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह की सर्च गूगल पे करेंगे तो आप बुरे फंस सकते हैं। इन्हीं बातों को लेकर मैं ये आज की वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बातें जो आप गूगल से नहीं पूछ सकते। तो क्या हैं वो चीज़ें और क्यों आपको नहीं करना चाहिए सर्च, जानिए आज की हमारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली चीज़ है किसी भी बीमारी के लक्षण यानी सिम्टम्स। जी हाँ दोस्तों, आपको कभी भी गूगल पे अपने सिम्टम्स को नहीं चेक करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने सिम्टम्स गूगल पे डालोगे तो वो आपको कैंसर तक बता देगा, जिससे आप और ज़्यादा पैनिक हो सकते हैं। इससे अच्छा रहता है कि आप असली डॉक्टर के पास जाएं, उस डॉक्टर से पूछें और उसकी सलाह लें दोस्तों, क्योंकि गूगल पे ज़रूरी नहीं कि जिसने वो आर्टिकल या इन्फॉर्मेशन गूगल पे डाली है वो कोई एक्सपर्ट हो। किसी ने कहीं से उठा के और न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर करके भी पेजेस बना दिए जाते हैं, जिसके चलते आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती और आप नहीं समझ पाते कि आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो आपको कभी भी अपने सिम्टम्स को लेकर गूगल बाबा के पास नहीं जाना चाहिए। अगर आपको यकीन ना हो तो अपनी सिर दर्द से आप शुरू होकर देखिए, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कैंसर तक बता देगा, जिसके बाद हो सकता है कि आप टेंस हो जाएं और उन पटांग बातों पर विश्वास करना शुरू हो जाएं। अगली चीज़ आती है, क्रिमिनल कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, अपराधी कैसे बने भी आप सर्च नहीं कर सकते। अगर आप गूगल पे ये बात को सर्च करेंगे तो आप खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो साइबर सिक्योरिटी की क्राइम ब्रांच के लोग होते हैं वो पीछे हो रहे हर कामकाज पर नज़र रखते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन क्या सर्च कर रहा है, जिसके चलते आपके आईपी एड्रेस को नोट कर दिया जा सकता है और उसके बाद आप पे एक्शन भी लिया जा सकता है। तो कभी भी गूगल पे इस तरह की बातें ना लिखें कि बम कैसे बनाएं, क्रिमिनल कैसे बने या ड्रग्स कैसे बनाएं, जिसके बाद आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगली चीज़ आती है, कैंसर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कैंसर को गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको समझ आएगा कि सांस लेने से भी कैंसर हो सकता है, जिसके बाद आप कई तरह की परसेप्शंस बना के चल सकते हैं। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कैसे होता है कोई कारण नहीं होता, ये किसी भी वजह से हो सकता है, जिसके चलते अगर आप इसे गूगल करते हैं तो आपको कई तरह के रीजंस बताए जाएंगे और ये इतने ज़्यादा आम होंगे कि आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि कैसे आपकी दिन में करने वाली छोटी छोटी चीज़ों से भी कैंसर हो सकता है। इसके चलते आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन दिमाग में भर जाएगी जिसकी आपको कोई खास ज़रूरत नहीं होगी। इस इन्फॉर्मेशन के चलते आपको गलत वहम हो सकते हैं। इन वहम को पालने से अगर बचना है तो इस तरह की सर्च ना करें। इस तरह की सर्च करने से आप पैनिक हो सकते हैं और वहम के शिकार भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगली चीज़ आती है, बेड बग्स की इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपने भी बेड बग के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन दोस्तों ये एक बहुत साइकोलॉजिकल चीज़ है जिसके बारे में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आप बेड बग्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं या पढ़ते हैं तो आपको रात को सोते वक्त इस तरह की चीज़ें परेशान करने लग जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। अगर आपको यकीन ना हो तो खुद आज आज़मा के देख सकते हैं। अगर आप पूरे दिन बैठकर
बेडबग्स की वीडियोस और फोटोज़ देखते रहेंगे तो आपको रात को सोते वक्त परेशानी होगी। आपको लगेगा जैसे आपके बिस्तर पे भी ये खटमल घूम रहे हैं, जिसके चलते ये माना जाता है कि आपको इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नहीं तो भैया रात को सोओगे तो भी लगेगा जैसे बेडबग्स ही आपके आसपास मंडरा रहे हैं। दोस्तों अगली चीज़ आती है स्किन कंडीशंस। जी हाँ दोस्तों, आपकी चमड़ी से जुड़ी बीमारियों को भी कभी गूगल पर सर्च करके नहीं देखिए, क्योंकि दोस्तों ये इतनी ज़्यादा घिनौनी फोटोज़ आपके सामने आ जाएंगी कि आप इन्हें देखकर शायद घबरा जाएं, आपका सिर घूम जाएगा। क्योंकि दोस्तों इंसानी शरीर की जो बीमारियां हैं वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और जटिल होती हैं कि उन्हें समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप इन्हें गूगल पर सर्च करते हैं तो आपके सामने ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ और वीडियोस आ जाएंगी जिसे देख पाना ही नामुमकिन सा है। दोस्तों वो अलग बात है कि अगर आपको इस तरह की चीज़ें पसंद हैं तो आप ज़रूर देखिए, लेकिन एक आम आदमी इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं देख सकता, उसका मन घबरा जाएगा, हो सकता है वो रात को सो भी ना पाए। क्योंकि दोस्तों इस पे आपके सामने ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी जिनका शायद अभी कोई इलाज भी नहीं निकल पाया है। ऐसी ऐसी फ़ोटो सामने आ जाएंगी जिसे देखकर आप समझ नहीं पाएंगे कि ये आखिर हुआ क्या है, इतना घिनौना और इतना डरावना कि किसी की भी रूह कांप जाए। जिसके चलते ये एडवाइस किया जाता है कि इस तरह की चीज़ों को सर्च ना किया जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जो गूगल पर सर्च नहीं करें तो ही बेहतर है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना ही भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा। नमस्कार।